प्रेस द लॉर्ड दोस्तों, जोहार। मैं सुनीत बडिंग एक बार फिर से आप सब का स्वागत करता हूं। और आज मैं सिमडेगा के पिथरा सारूटोली गांव में हूं और यही मेरा नानी घर है। तो फिर हमारे साथ में बने रहिए। तो यह बत्तख का बच्चा देना आज यहाँ का कुछ दृश्य दिखाएंगे, कुछ चीज बताएंगे, जितना जानते हैं, जितना तक हम पहुँचाए हैं। तो बस्ती दूर में है और मेरा नाना नानी लोग दूर में रहते हैं, जंगल में। तो नाना तो नहीं है, नानी है। तो नानी रहती है अभी यहाँ पर, गलती से नाना नानी बोल दी तो आदत हो गया है इसलिए। और मेरी नानी अभी अकेले है तो अकेले रहती है। हाँ, मामू लोग हैं साथ में। पहले एक ठो ही घर था, अभी दो ठो गया, ये वाला नया बन रहा है। और पुराना जो जंगल के बीच में जो दिख रहा है वो वाला घर था पुराना, अभी भी है इसमें। तो मामू है, ले बत्तख कितना होगा। और यह जाल, मछली मारने का तैयारी चल रहा है। और यह भगिना, ये भी फेंकने सीख रहे हैं। ऊपर करना, ऐसे करके पकड़े इसे। तो ये सब जो आम पेड़ सब जो दिख रहा है इधर में छोटा छोटा, ये सब आम पेड़ सब खा के फेंका हुआ, गुठली से निकला हुआ है और ऐसा हो गया है। पहले इतना जंगल नहीं था, अब यहाँ आने के बाद बहुत ही सुकून का महसूस होता है। इतना अच्छा पर्यावरण, शुद्ध शुद्ध हवा। तो हम लोग गाड़ी सबको यहाँ पर रख दिए हैं और फिर यही है पुराना घर। सबसे शुरुआत में मेरा नाना और नानी गांव टोली छोड़ के यहाँ पर खेती बाड़ी और फिर मछली सब पालने के लिए यहाँ पर आए थे और दोनों जन रहते थे यहाँ पर। फिर अभी जो नया घर उधर आप लोग को दिखा है उसमें अभी मामू बना के इधर में रह रहा है। नानी, इतना तो है शुद्ध शुद्ध ठाऊ में रही तो हुआ काले आगे बाकी नहीं लगी ने यहाँ एकदम पूरा। हाँ, एकदम शुद्ध शुद्ध हवा मिलता है तो वहाँ पर। हाँ, जे बेरा हिया शुरू में घर बनाए रहा से बेरा सब कुछ नहीं रहे नी कोनो नी सारे गाछ बेरे दिन दे रहला कि जे कोनो गाछ नहीं रहला घूम आए। हां, ये खेत तो मर गया, वो सब नहीं है। नाना के ही रहे यही ने बनाई घर कह के घर छापरी रंग बनाए रहा खूटा गाइड के ताले तो आपने भीत देला। ओ, अपने भीत बना लग। ओ, ताले सीते के लागिन तो तक पोस के लागिन रह लग ताले तो दी घर नहीं आते के लागिन खाने वो तो पिंगा बना लग भीत रहे। और वह पिंगा में सूतो तो रहे सात आठ जन आतो तो रह लें। वो पिंगा में नहीं छुरी लाओ रे छुरी दुधनी है कोटा ये मन कोनो निकार पाई मन जायो तो है
मेरे आधना क्या खाएगा हमें का हो हमें। तो पानी सब कहाँ से लाते हैं यहाँ पर उसको वो दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पानी कहाँ पियन? कुआं बना ला डाड़ी। अच्छा ये वाला कुआं है। ओरिजिनल में ये कुआं नहीं था, मतलब ये डांडी था। डांडी जो लोग समझ रहे होंगे, जो गांव देहात के लोग हैं वो लोग समझ रहे होंगे डांडी। ज़्यादा गड्ढा भी नहीं है और ये ऐसे डोभा टाइप का था, तो उसी को कोड़ के ऐसे पटा उटा पटा के ये कुआं बनाया गया है। बहुत बड़ा और बहुत गड्ढा भी नहीं है। तो पतुर सब गिरता है बोल के ये जाल को फैला दिए हैं। और रहा ये तालाब, और ये जो तालाब है इसको मेरा नाना अकेले कोड़ के बनाया है तालाब को। और ये जो पीड़ा जो इतना ऊंचा जो दिख रहा है ये वाला आड़, तो ये आड़ को अकेले भर के बनाया है। तो ऐसा है। तो पंकज आ रहा है इधर से। तो ये क्या बोलते हैं तालाब के बारे में बताओ थोड़ा सा स्टोरी जितना जानता है तुम। तालाब मेरा नाना खोड़ा था, हम उसको कोड़ते हुए भी देखे थे। या जो पत्थर है वो आसपास पूरा कोड़ रहा था। तो हमारे जो जितना यहाँ से ऊंचा है मिट्टी को नाना कोड़ के उठाया था अकेले। और पूरा ही तालाब को वही कोड़ा है पूरा। फिर लास्ट में कुछ आदमी लोग मदद कर दिया था बाद में। उसके बाद उस साइड भी वो ये है तालाब, ये इसके पार में उसको दूसरा लोग कोड़ा था। तो ऐसा ही स्टोरी है। आगे में मेरा नाना का नाम से दानियल दा है। उधर आगे जाएगा तो बड़का सा। तो जब शुरू यहाँ पर नाना नानी लोग आए थे उस समय पानी पीने के लिए बहुत दिक्कत था पानी। तो यहाँ पर एक ठो दा है, ये वाला दा। अभी तो पानी गंदा हो गया है लेकिन उस समय अच्छा था। तो यहाँ से पीते थे नाना नानी लोग। यहाँ का पानी को ले जाते थे, गर्म करते थे, फिर ठंडा करते थे, तब फिर पीते थे यहाँ का पानी को। यहाँ का पानी और ऊपर से शायद आप लोग को पता नहीं चल रहा था होगा, हम नीचे से दिखा रहे हैं आप लोग को। ये यही पेड़, ये पेड़, यही जो पेड़ है ये वाला, ये जमीन से इतना ऊपर है। लगभग हमको लगता है 10-12 फीट होगा, 12 फीट हो जाएगा, ज़्यादा भी हो सकता है 12 से, लेकिन 12 से कम नहीं होगा। तो इतना ऊंचा, अब तो अभी 12 है, जिस समय जब शुरू बना रहा था उस समय और बहुत ऊंचा था, अब दब गया। तो इतना ऊंचा मेरा नाना अकेले कोड़ के, तालाब कोड़ के यहाँ पर फैलाया था, आड़ बनाया था। तो ऐसा है। अभी नाना नहीं है, लगभग 2 साल हो रहा होगा, 2 साल या 3 साल हो रहा होगा नाना नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर अभी मछली मारेंगे। पता नहीं कितना मछली होगा नहीं पता, या कितना बड़ा होगा वो भी नहीं पता, लेकिन आए हैं तो थोड़ा सा इन्जॉयमेंट के लिए। और बाकी बात तो उधर बत्तख भी है, बत्तख बना रहा है। फिर बड़ा पापा के तरफ में मुर्गा बन रहा है।
तो तालाब है तो एक बार मछली मारेंगे हम लोग, आप लोग को जरूर दिखाएंगे। कहाँ दिखाओ, ये बालू वाला खुखड़ी है कि ये खट्टा खट्टा लगता है ना? नहीं, उसमें तो इमली डालते हैं। टुल्लुक टुल्ला पत्ता का डोमा बनाते हैं, ये पत्ता में उगता है ना? नहीं, पतुर तो भारी मात्रा में खुखड़ी चुना जा रहा है इधर। एक ठो ई वैरायटी का खुखड़ी हो गया, एक ठो इधर में रखा है मशरूम। हाँ मशरूम, और सादरी भाषा में टुलुक टुला खुखड़ी, और फिर ई वाला खुखड़ी भी है इधर। पता नहीं क्या चीज में उगता है, पता नहीं कैसा भी लगता है, हमको भी पता नहीं है। कुछ दिखने में इस तरीका का दिखता है, इधर इस तरीका का दिखता है। तो इधर बत्तख का काम तमाम हो गया है।